हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चेहरे पर ब्लीचिंग करने जा रही हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैं वो बातें इस वीडियो में जानिए। आपको पार्टी में जाना है और चेहरे पर दाग ही दाग नजर आ रहे हैं, तो चेहरे को बेदाग और गोरा करने के लिए ब्लीचिंग एक सस्ता और जल्दी और आसान सा उपाय है। मगर आपको समझना होगा कि ब्लीचिंग क्रीम में काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो चेहरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप ब्लीचिंग क्रीम लगाने की आदी हैं, तो आपको इसे लगाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। साथ ही इसे लगाने के बाद त्वचा की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। बार बार चेहरे पर ब्लीच करने से बचना चाहिए। महीने में एक बार ब्लीच करना सही होगा। ब्लीचिंग क्रीम को ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना चाहिए। ब्लीच लगाने से पहले उस जगह को हल्के साबुन और पानी से धोकर पोंछ लें। ब्लीच लगाने के बाद हल्की खुजली होती है, लेकिन ये कभी दर्द भरा काम नहीं होता। आपकी त्वचा पर जलन हो तो इसका मतलब है ये आपके चेहरे पर अच्छी तरह से काम कर रही है। कभी भी गर्म पानी से नहाने के बाद ब्लीच ना करें, क्योंकि उस दौरान त्वचा संवेदनशील रहती है। ब्लीचिंग के बाद त्वचा को सांस लेने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें और उस पर कुछ ना लगाएं। रात में ब्लीचिंग करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्लीचिंग के बाद सूरज की किरणों से कम 24 घंटों के लिए दूरी बनाकर रखें। हमेशा जरूरत अनुसार ब्लीचिंग क्रीम ही मिलाएं, उसमें कुछ भी ज्यादा या कम ना मिलाएं। ब्लीच करने से तुरंत पहले ही ब्लीचिंग क्रीम बनाएं। पैकेट पर दिए गए समय से ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम को चेहरे पर ना रखें, 15 मिनट काफी रहते हैं। ब्लीच को आंखों के आसपास, आईब्रो पर, नाक के अंदर ना लगाएं। कटी छिली या जली जगह पर इसे ना लगाएं। शेविंग या आईब्रो बनाने के बाद कुछ दिनों तक ब्लीचिंग ना करवाएं। सभी प्रकार की सावधानी अपनाने के बावजूद अगर चेहरे पर लाल रंग के चकते दिखाई दें या लंबे समय तक जलन महसूस हो तो चेहरे पर नारियल तेल लगाएं या फिर चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और उस पर बर्फ लगाएं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि ब्लीच करने के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।